हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मनोवृत्ति को कवर किया है। मनोवृत्ति अर्थात होता था, इंग्लिश में इसे बोला जाता था, एटीट्यूड। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अभिरुचि को, और अभिरुचि को अंग्रेजी में कहा जाता है एप्टीट्यूड। क्या कहा जाता है? एप्टीट्यूड। ध्यान रखना, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों में बहुत अंतर होता है। जो एटीट्यूड होता है वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, और जो एप्टीट्यूड होता है वो भविष्य को निर्धारित करता है कि व्यक्ति किस दिशा में जाएगा। समझने का प्रयास करते हैं अभिक्षमता, अभिरुचि या एप्टीट्यूड को। तो अभिक्षमता होती क्या है? तो समझने का प्रयास करना, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ योग्यताएं होती हैं। वो योग्यताएं जन्मजात होती हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को गाने का शौक होता है तो किसी को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, किसी को डांस करने का शौक होता है तो किसी को एक्टिंग करने का शौक होता है, तो किसी को पढ़ने का शौक होता है। तो ये जो शौक होते हैं, जो रुचि होती है, वह गुण होते हैं जन्मजात। लेकिन इन्हीं गुणों को यदि सही तरीके का मार्गदर्शन दे दिया जाए, यदि सही तरीके की शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए, तो वह उसकी एक दिशा निर्धारित कर देते हैं जो उसके भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। क्या करती हैं? मार्गदर्शक का कार्य। तो यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए उसको रुचि है क्रिकेट खेलने में, बहुत सारे व्यक्तियों को होती है, यदि उसे सही तरीके के कोच से मिला दिया जाए, कोच उसे सही तरीके की शिक्षा दे दे क्रिकेट के विषय में, उसे एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बना दे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, केआर राहुल, बहुत सारे हैं क्रिकेटर, तो क्या करते हैं, इनको यदि सही तरीके की शिक्षा दे दी जाए तो इनका जो भविष्य है एक निश्चित दिशा में चलने लगता है। अर्थात वह रुचि जो किसी व्यक्ति के भविष्य को एक निर्धारित दिशा प्रदान कर दे, वह कहलाती है अभिरुचि। और वो कब होगी? जब उसे सही तरीके का मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो समझ में आया रुचि अभिरुचि क्या है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अंतर क्या है। तो एप्टीट्यूड क्या होगा? आपको एक तरीके की शिक्षा दी जाएगी जो आपके अंदर जो रुचि है उन्हें सही तरीके का मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उस मार्गदर्शन के आधार पर आप अपना भविष्य का निर्धारण करेंगे। अब बात आती है कि आखिर सिविल सेवक के लिए अभिरुचि की क्या आवश्यकता होती है, और यह अभिरुचि हमें कब पढ़नी होती है। तो आप ध्यान रखिए, जब आप प्रीलिम्स का पेपर पढ़ते हैं, और प्रीलिम्स के पेपर में जो पेपर दूसरा होता है जिसे बोलते हैं सीसेट, उस सी सेट को एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है? वही जो मैंने बताया, वह क्या करता है, आपको भाषा पर सूक्ष्म पकड़ करना सिखाता है, वह आपको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन देता है, वह आपसे कहता है कि आप तार्किकता के आधार पर निर्णय लीजिए कि इस स्थिति में क्या करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन देता है आपको स्थिति परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए, तर्क विद्या से संबंधित प्रश्न देता है, जिससे आप कि अंदर जो रुचि है, जो सिविल सेवक की रुचि है, वह अभिरुचि में परिवर्तित हो जाए और आपको एक बहुत अच्छा सिविल सेवक बनाने में मदद करे। चलिए हम अध्ययन करते हैं अभिरुचि का, कि आखिर अभिरुचि की परिभाषा होती क्या है। तो अभिरुचि को परिभाषित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बिंघम। बिंघम कहते हैं कि अभिरुचि क्या होती है, तो वह कहते हैं कि अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात, ध्यान रखना कब, प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता और प्रतिक्रियाओं को सीखने की क्या है, योग्यता है। किस किस को? ज्ञान को, दक्षता को और प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। कब? प्रशिक्षण के पश्चात। क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने की अथवा ज्ञान अर्जन की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता होती है। ध्यान रखना, जो अभिक्षमता होगी वो जन्मजात भी होगी, और कैसी होगी, अर्जित भी होगी। जो जन्मजात होती है वह रुचि होती है, आपके गुण होते हैं, और उन्हीं को यदि सही तरीके का मार्गदर्शन दे दिया जाता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, अभिक्षमता में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हुई परिभाषा बिंघम के शब्दों में? क्योंकि परिभाषा सीधी सीधी लिखने के लिए आ जाती है कि अभिक्षमता क्या होती है, अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं, या अभिक्षमता या अभिरुचि से क्या आशय है। तो कोई भी प्रश्न आ जाए आपको क्या लिखना है, यही लिखना है। और यदि आप बिंघम का निर्देश दे देते हैं कि बिंघम ने यह परिभाषा दी है, तो आपके नंबर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है?
तो क्या हुई, इन्होंने बोला है कि अभी क्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता तथा प्रतिक्रियाओं को सीखने की क्या है, एक योग्यता है। यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने की अथवा ज्ञान अर्जन करने की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। बात करते हैं हम अभिरुचि की विशेषताओं की, कि आखिर अभिरुचि या अभिक्षमता में विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो बिंघम ही बोलते हैं कि सबसे पहले यह क्या करती है, भविष्य को निर्धारित करती है, अर्थात यह वर्तमान गुणों का वह समुच्चय होता है जो भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है। कैसे करता है, मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, पहले नहीं है, आपको गाने का शौक है, आप गाते हैं, आपकी आवाज अच्छी है, आपके सुर कहीं कहीं डगमगा जाते हैं, लेकिन यदि आपको सही तरीके से प्रशिक्षित कर दिया जाए तो आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं। अर्थात आपको एक ही दिशा में जो आपके अंदर जो गुण हैं उनको एक दिशा निर्देश कर दिया जाए, एक दिशा की ओर अग्रसित कर दिया जाए, तो आप क्या होंगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे नर्तक या बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये क्या करता है, भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है कि आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अगली विशेषता है, यह किसी वस्तु का नाम ना होकर क्या है, अमूर्त संज्ञा है। अमूर्त संज्ञा से मतलब क्या होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, अर्थात यह कोई वस्तु नहीं है, वरन व्यक्ति के गुण और विशेषताओं की ओर इंगित करता है या विशेषताओं को संकेत करता है। मतलब यह व्यक्ति के गुणों को दर्शाता है, व्यक्ति की विशेषताओं को दर्शाता है, किसी व्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। अगली विशेषता है, यह जन्मजात योग्यता ही नहीं होती बल्कि कार्य करने में उसकी प्रवीणता के भाव को भी व्यक्त करती है। अर्थात यह सिर्फ जन्मजात नहीं है कि आपके अंदर कोई भी चीज की रुचि है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो पता चला आपकी अभिरुचि क्रिकेट हो गई, नहीं, यह क्या है, भावी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, भावी जो योग्यताएं होती हैं उसको प्रदर्शित करती है, उसकी भावना भी इसमें निहित होती है। अर्थात आपकी जो क्षमता होती है यदि उसे सही तरीके का मार्गदर्शन दे दिया जाता है तो वह आगे चलकर आपकी क्या बन जाती है, अभिरुचि या अभिक्षमता बन जाती है। इसका रुचि, योग्यता और संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है, मैंने अभी बताया, क्योंकि अभिरुचि उत्पन्न कहां से होती है, अभिरुचि उत्पन्न होती है रुचि से, और यदि उसे सही तरीके का मार्गदर्शन दे दिया जाए तो वह किस में बदल जाती है, योग्यता में बदल जाती है, और जो आपकी रुचि है यदि उसी के अनुसार आप कार्य करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो आपको क्या मिलती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात जो अभिरुचि है, अभिक्षमता है, वह रुचि, योग्यता और संतुष्टि से कैसा संबंध रखती है, तो घनिष्ठ संबंध रखती है। अगली विशेषता की बात करते हैं तो अभिक्षमता में सीखने की दुविधा, विशिष्टता, एकात्मक रचना एवं स्थिरता का महत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात इसमें क्या होती है, सीखने की दुविधा होती है, आपको सबसे पहले यह निर्धारित करना होता है कि आपके अंदर कौन सा गुण ज्यादा प्रभावकारी है। अर्थात कई कई व्यक्ति होते हैं जो पेंटिंग भी कर लेते हैं, जो गाना भी गा लेते हैं, जो क्रिकेट भी खेल लेते हैं और भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में संपन्न होते हैं, लेकिन बहुत सारी योग्यताएं होती हैं लेकिन उसमें कोई एक गुण होता है जो सर्वोपरि होता है, तो उसको सीखने की क्या होती है, दुविधा होती है कि हमें किस गुण को ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, विशिष्टता, आखिर किस गुण की विशिष्टता उसमें ज्यादा है, और एकात्मक रचना और स्थिरता का महत्व भी क्या है, बहुत ज्यादा है। अर्थात स्थिरता इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइए हम बात करते हैं इसकी अगली विशेषता की, कि अगली विशेषता क्या है, तो वर्तमान वस्तु स्थिति होने पर भी यह भविष्य की ओर संकेत करती है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यह क्या करती है, भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करती है। अर्थात वर्तमान वस्तु स्थिति आपकी कैसी भी हो उसके आधार पर यह क्या करती है, भविष्य की ओर संकेत करती है कि यदि आपको सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है तो आप आगे किस दिशा में बढ़ेंगे। बात करते हैं हम कि अभिरुचि, योग्यता एवं उपलब्धता में आखिर वास्तव में अंतर है क्या, यह एक दूसरे से किस तरीके से भिन्नता रखते हैं। तो यदि हम अभिरुचि की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि अभिरुचि आपकी भावी या भविष्य की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है या भविष्य को निर्धारित करता है कि आपका भविष्य कैसे होने वाला है। आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बनने वाले हैं कि बहुत अच्छे संगीतकार बनने वाले हैं कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनने वाले हैं, तो यह क्या करती है अभिरुचि, यह भविष्य की सफलताओं को निर्धारित करती है, भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। यदि हम योग्यताओं की बात करें तो योग्यताएं क्या करेंगी, वर्तमान स्थिति से संबंधित होंगी। अर्थात आप वर्तमान स्थिति में किस पद पर रहेंगे, क्या कार्य करेंगे और किस तरीके से करेंगे, यह क्या निर्धारित करता है, योग्यता निर्धारित करती है।
और यदि हम उपलब्धता की बात करें तो यह भूतकाल की सफलताओं से निर्धारित होती है, अर्थात भूतकाल में या पिछले समय में आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं और ऐसे कार्यों के द्वारा आपने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसे क्या निर्धारित करती है? उपलब्धता या उपलब्धियों का ज्ञान होता है, उसे उपलब्धता कहते हैं। क्लियर हुआ? अभिरुचि, योग्यता और उपलब्धियों में आखिर अंतर क्या क्या है? तो अभिरुचि भावी समस्याओं को या भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है, तो योग्यता वर्तमान और उपलब्धियां भूतकाल में आपने क्या कार्य किया है उसकी ओर संकेत करती हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं अभिरुचि एवं बुद्धि में आखिर वास्तव में अंतर क्या है, क्योंकि अभिरुचि तो आपके अंदर का गुण है और बुद्धि भी आपके अंदर का गुण है। बुद्धि भी आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहायता करती है और अभिरुचि भी आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायता करती है, परंतु इन दोनों में आखिर वास्तव में अंतर क्या है, तो उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो यदि हम बुद्धिमत्ता की बात करें तो इसमें व्यक्ति की समान बौद्धिक क्षमताओं को मापते हुए और उसे एक सामान्य बुद्धि लब्धि प्रातंक दे सकते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है, बहुत सारे इंसानों की जो बौद्धिक क्षमता होती है वह क्या सोचते हैं, किस तरीके से निर्णय लेते हैं, इन सभी के आधार पर एक उनको अंक दे दिया जाता है और अंकों के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है कि यह व्यक्ति की बुद्धि लब्धता बहुत अधिक है, यह बहुत ज्ञानवान है, दूसरे व्यक्ति की बहुत कम है, तीसरे व्यक्ति की उससे कम है। इसके आधार पर क्या किया जाता है, व्यक्तियों का निर्धारण किया जाता है। इसमें सभी मानसिक योग्यताओं का एक मात्र मापदंड माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, सिर्फ एक मापदंड जिसके आधार पर व्यक्ति की योग्यताओं को मापा जाता है कि व्यक्ति किस स्थिति में किस तरीके के निर्णय ले सकता है, कौन त्वरित निर्णय ले सकता है और कौन निर्णय लेने में देरी कर सकता है। परंतु यदि हम अभिरुचि की बात करें तो अभिरुचि का संबंध एक क्षेत्र विशेष से होता है, अर्थात आपके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता को, कोई एक योग्यता, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे सिंगर नहीं हैं, यदि आपको सही तरीके का प्रशिक्षण दे दिया जाए तो आप गाते तो अच्छा हैं लेकिन आपके सुर और ताल सही मात्रा में चलेंगे और आप एक बहुत अच्छे सिंगर आगे जाके बनेंगे। अर्थात किसी एक क्षेत्र, या तो आप सिंगर बन रहे हैं या क्रिकेटर बन रहे हैं या वैज्ञानिक बन रहे हैं, तो क्या करते हैं, यह एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होती है। दूसरा, इसके अंतर्गत हम यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति में एक दूसरे से स्वतंत्र कई योग्यताएं होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, अर्थात हर व्यक्ति की, जैसे कि बुद्धि लब्धि थी, एक मात्रा था, मापदंड था, हर व्यक्ति में उपलब्धि थी लेकिन कम या ज्यादा मात्रा में थी। लेकिन अभिरुचि की बात करें तो अभिरुचि अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेटर होता है तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सिंगर होता है, तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डांसर होता है। अर्थात योग्यताएं या अभिरुचि जो होती है हर व्यक्ति में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। अंतर आपको समझ में आया बुद्धि लब्धि और अभिरुचि में। चलिए हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जिसे नोट के रूप में आप ध्यान रखना, उसमें है कि जिन क्षेत्रों में सफलता के लिए ऊंची तार्किक क्षमताओं की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, किसकी, ऊंची तार्किक क्षमताओं की। कोई आपको उपलब्धि प्राप्त करनी है, वह उपलब्धि प्राप्त करने के लिए यदि आपको बहुत अच्छी उपलब्धियों की आवश्यकता है, बहुत अच्छी तार्किक क्षमताओं की आवश्यकता है, तो ध्यान रखना उनमें बुद्धिमत्ता और अभिरुचि दोनों ही समाहित होंगी। इन दोनों के बगैर आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लोक सेवक, बात करते हैं लोक सेवक के लिए अभिक्षमता कि आखिर लोक सेवक में अभिक्षमता कैसे होगी और लोक सेवकों में अभिक्षमता के लिए आखिर कौन कौन से गुण होना चाहिए जिसके आधार पर कोई लोक सेवक एक बहुत अच्छा सिविल सेवक बन सके। तो सबसे पहला होता है, उसे भाषा पर सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो उसके सारे कार्य हिंदी में होते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं तो वहाँ भी हिंदी में होते हैं लेकिन कभी कभी कुछ कार्य इंग्लिश में भी होते हैं, अंग्रेजी में भी होते हैं। तो कोई भी भाषा में आप कार्य करते हैं, जब तक आपकी भाषा पर पकड़ नहीं होगी तब तक आपके सामने जो पत्र आएगा, जो लेटर आएगा, उसके भाव को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखना, जब आपका सीसेट का पेपर होता है तो आपके लिए वहाँ पर कुछ अनसीन पैसेज दिए जाते हैं और अनसीन पैसेज के आधार पर, जिसे हिंदी में आपतित गद्यांश कहा जाता है, उनके आधार पर आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिसका सार उसी अनसीन पैसेज या आपतित गद्यांश में दिए हुए होते हैं।
जब आपकी भाषा कौशल अच्छी होगी, भाषा पर सूक्ष्म पकड़ होगी, तभी आप उसे उस अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसमें निहित जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनको आप दे पाएंगे। इसलिए अनसीन पैसेज के माध्यम से आपकी कौन सी अभिरुचि डेवलप की जाती है? भाषा पर सूक्ष्म पकड़ की अभिरुचि, कि आप पढ़ने में कितने कुशल हैं। क्यों? क्योंकि कुशलता, पढ़ने की जो कुशलता है, वो एक लोक सेवक के लिए, एक सिविल सेवक के लिए अति ही आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर वह अपना कार्य बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो लोक सेवक में कौन कौन सी अभिक्षमता होनी चाहिए? पहली होना चाहिए उसे भाषा पर सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, जटिल परिस्थितियों को समझने, विभिन्न क्षेत्रों के तथ्यों को आपस में जोड़ने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए एक उच्च तार्किक क्षमता होनी चाहिए। कैसी तार्किक क्षमता होनी चाहिए? उच्च तार्किक क्षमता। ध्यान रखिए, एक सिविल सेवक के सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं और परिस्थितियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें उसे आपस में जोड़कर उनका विश्लेषण करके निर्णय भी लेना होता है। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए, जैसे सीसेट का जो पेपर होता है आपकी अभिक्षमता को बढ़ाने के लिए, अभिक्षमता को एक दिशा निर्देशित करने के लिए, तो उसमें आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें तथ्य दिए रहते हैं और एक स्टेटमेंट होता है जिसके आधार पर कहा जाता है कि यह निर्णय इसके आधार पर सही है या नहीं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली आदमी हैं, तो कितने आदमी कुत्ते हैं या कितने आदमी बिल्ली हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यह जो प्रश्न होते हैं वह आपकी कौन सी तार्किक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं? वह विश्लेषण की, परिस्थिति को समझने की और तथ्यों को आपस में जोड़ने की, इन सभी स्थितियों को बढ़ाने के लिए, इनमें अभिक्षमता प्राप्त करने के लिए आपको सहायता करते हैं। तो एक सिविल सेवक के लिए क्या जरूरी होता है? एक तो भाषा पर सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए, दूसरा परिस्थितियों को समझने की, जो विभिन्न तथ्य हैं उन्हें आपस में जोड़ने की, उनका विश्लेषण करने की और साथ ही साथ उनको समझने की उसमें तार्किक योग्यता होनी चाहिए। अब ध्यान रखना, एक सिविल सेवक है, उसके सामने बहुत सारी स्थितियां आएंगी। मान लीजिए आप एक डीएसपी बन जाते हैं और आपके यहां पर कोई चोरी हो जाती है, मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप उसका निर्णय कैसे लेंगे कि आखिर यह जो हत्या है वह किसने की है, यह चोरी है वो किसने की है? आप उस स्थिति को जाएंगे, स्थिति को समझेंगे, वहां पर जो विभिन्न तथ्य हैं उनको, उनका संकलन करेंगे, उन्हें आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सा तथ्य किससे संबंधित है, उसके बाद उनका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के बाद ही आप किस पे पहुंच पाते हैं? निर्णय पर पहुंच पाते हैं। लेकिन इन सब के लिए आवश्यकता किसकी होती है? उच्च तार्किक क्षमता की होती है। क्लियर है? समझ में आया दोनों गुण क्यों जरूरी हैं? चलिए आगे बात करें अगले गुण की, तो निर्णय व समस्या समाधान की सटीक क्षमता होनी चाहिए। आपने देखा होगा सीसेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो निर्णय आधारित होते हैं, निर्णय लेने पर आधारित होते हैं। आपको एक स्थिति दी जाती है, कहा जाता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको रास्ते में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, वो खून में लथपथ रास्ते पर डला हुआ है। आप उस स्थिति में क्या करेंगे? उसे देखकर इग्नोर करके चले जाएंगे? कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं कि आप इग्नोर करके चले जाएंगे, या फिर आप उसको उठाएंगे और अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या फिर आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे, एम्बुलेंस के आने तक वहां पर रुकेंगे और फिर आप इंटरव्यू देने चले जाएंगे। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन होते हैं आपके लिए, अर्थात वह आपके अंदर किस अभिक्षमता का विकास करते हैं? समस्या समाधान का। कि आप एक सिविल सेवक हैं, मान के चलते हैं कि सिविल सेवक के लिए क्या करना पड़ेगा? समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। समय समय पर उसके सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएंगी जिसमें व्यक्तिगत निर्णय और सामाजिक निर्णय दोनों में आपसी टकराहट होगी, कभी कभी प्रशासनिक मूल्य और सामाजिक मूल्य में टकराहट होगी। तो उस समय पर आप किस तरीके का निर्णय लेंगे, उसका निर्धारण कौन सी अभिक्षमता करती है? समस्या समाधान की। और इसके निर्णय का परीक्षण कहां किया जाता है? सी सेट में ऐसे प्रश्न देकर जिसमें आपको समस्या दी जाएगी और उसका समाधान पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र 4 की भी बात करें तो वहां भी सिविल सेवक के लिए समस्या समाधान के लिए केस स्टडी दी जाती है। कहा जाता है प्रकरण अध्ययन में एक आपको स्थिति दी जाएगी, उस स्थिति के आधार पर आपको निर्णय लेना होगा कि आखिर आप इस स्थिति में क्या करेंगे। तो यह कहां से संबंधित है? यह उसी अभिक्षमता से है जिसमें आपके अंदर समस्या समाधान की अभिक्षमता विकसित होती है। तो लोक सेवक में क्या होना चाहिए? भाषा में सूक्ष्म पकड़, परिस्थितियों के लिए, परिस्थितियों से निपटने के लिए उच्च तार्किक क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता। और क्या होना चाहिए? गणित एवं आंकड़ों को समझने की क्षमता। क्यों? क्योंकि आप सिविल सेवक हो, आप योजनाओं का क्रियान्वयन करते हो,
आपके सामने बहुत सारे बजट आते हैं, बहुत सारी योजनाएं रहती हैं जिनको लागू कराना होता है। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कितनी जनसंख्या है, कितना पैसा आया है, किस तरीके से उसे खर्च करना है ताकि गरीबों को ज्यादा फायदा हो, जो लाभार्थी हैं उन्हीं के लिए फायदा हो। तो उसके आधार पर आपके लिए गणित और आंकड़ों की समस्याओं को समझने का क्या होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए। इसीलिए सी सेट में आपके लिए मैथ वाला सब्जेक्ट रखा गया है, गणित वाला सब्जेक्ट रखा गया है। आपके लिए गणित के कुछ प्रश्न आते हैं, आपके लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न आते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? वह इसी अविक्षमता को विकसित करने के लिए दिए जाते हैं। अब मेंस की बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा में भी आपके थर्ड पेपर में मैथ को समाहित किया गया है, गणित को समाहित किया गया है। वह क्यों? क्योंकि आपसे वो चाहते हैं कि आपको इतनी तो समझ हो कि जो दैनंदिनी के प्रश्न होते हैं, दैनंदिनी में जो गणितीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको आप बहुत अच्छे से हल कर सकें। अगला कौन सा गुण होना चाहिए? संचार तथा संप्रेषण का कौशल होना चाहिए। अर्थात एक सिविल सेवक को इस तरीके से वाक्पटु होना चाहिए, इस तरीके से अभी आप बोलना चाहिए ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हों। वह जो निर्देश दे लोग उसे माने, वह जो कार्य करने के लिए कहें लोग उसे आत्मसात करें। तो क्या होना चाहिए? उसके लिए संप्रेषण का कौशल विकसित होना चाहिए। और इसके लिए आपकी जो सी सेट है उसमें संप्रेषण कौशल का एक टॉपिक जोड़ा गया है कि एक अच्छे संप्रेषक के लिए किस तरीके का संप्रेषण करना चाहिए, किन किन माध्यमों के द्वारा बहुत अच्छा संप्रेषण होता है। यदि आपको कोई संदेश लोगों तक पहुंचाना है तो किस माध्यम से, किस तरीके से पहुंचाया जाए जिससे वह उन लोगों को अधिक से अधिक प्रभावित करें। तो क्या क्या गुण होने चाहिए? ये गुण, क्या भाषा पर सूक्ष्म पकड़ हो, परिस्थिति के लिए, परिस्थिति को समझने के लिए उच्च तार्किक क्षमता हो, समस्या समाधान की क्षमता हो, गणित व आंकड़ों को समझने की क्षमता हो, और संचार तथा संप्रेषण का कौशल हो। तो यह क्या होने चाहिए? सिविल सेवकों में गुण होने चाहिए। आइए हम बात करते हैं लोक सेवा किसे कहते हैं। तो देखिए, लोक सेवा का प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि लोक सेवा को परिभाषित कीजिए, लोक सेवा से क्या आशय है, लोक सेवा किसे कहते हैं। तो इसके दो अर्थ होते हैं। यदि हम एक अर्थ, पहले अर्थ की बात करें तो लोक सेवक के अंतर्गत या लोक सेवा के अंतर्गत क्या आएंगे? वे सभी सेवाएं शामिल की जाती हैं जिन्हें किसी देश के नागरिकों को उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार स्वीकार करती है। अर्थात सरकार की वह सेवाएं जो वह अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहती है, वह सेवाएं क्या कहलाती हैं? लोक सेवा कहलाती है। यदि हम दूसरे अर्थ की बात करते हैं तो दूसरे अर्थ में उन सभी व्यक्तियों के कार्य समूह से, अर्थात वे सभी व्यक्ति जो एक समूह में रहकर कार्य करते हैं, और वह कार्य कैसे करते हैं? सरकारी नियोजन के तहत करते हैं। अर्थात सरकार से अपने काम का पैसा लेते हैं और लोगों के हित में कार्य करते हैं, वह सभी सेवाएं क्या कहलाती हैं? लोक सेवा कहलाती हैं। इसमें सैन्य तथा असैन्य सभी कर्मचारी शामिल होते हैं, ध्यान रखना। तो यदि आपसे लोक सेवा की परिभाषा पूछ ली जाती है तो आप दोनों में से कोई भी अर्थ लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। पहले अर्थ में क्या होता है? वे सभी सेवाएं जो वहां की सरकार अपने नागरिकों को उपलब्ध करानी चाहती है, वो भी लोक सेवा कहलाती है। और उन सभी व्यक्तियों के कार्य समूह को भी लोक सेवा के अंतर्गत रखा जाता है जो सरकारी नियोजन के तहत कार्य करते हैं। किसके तहत? सरकारी नियोजन के तहत। और यदि आपसे पूछा जाए कि क्या सैन्य और असैन्य दोनों ही लोक सेवा में शामिल होते हैं, तो हाँ, दोनों ही इसमें शामिल होते हैं, दोनों के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। आइए, एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिविल सेवा के जनक कौन है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिए कि जो कार्नवालिस हैं उन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, भारतीय सिविल सेवा का जनक या पिता कहा जाता है। कई बार दो नंबर का जो प्रश्न है उसमें एक लाइन में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि लोक सेवा में सुधार हेतु आखिर क्या सुझाव दिए जाएं ताकि लोक सेवा में सुधार हो, लोक सेवा में किस तरीके की अविक्षमता विकसित की जाए कि लोक सेवक बहुत अच्छे से कार्य करें। तो लोक सेवा में सुधार के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लोक सेवक के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, मनोवृत्ति में भी इसका हमने अध्ययन किया था। इसमें हम सुझाव देखते हैं कि आखिर क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले शक्तियों, जो शक्ति होती है, शक्ति के वितरण में समानता लाई जानी चाहिए। आप देखते हैं कि यहाँ पर एक पद सोपान होता है जिसमें जो अधिकारी होते हैं उन्हें अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। कभी कभी एक ही पोस्ट पर विभिन्न अधिकारी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप IAS अधिकारी बनते हैं, लेकिन IAS अधिकारी, सभी IAS अधिकारी कलेक्टर नहीं होते, DM नहीं होते, ध्यान रखना। हजारों IAS अधिकारियों में से या कई IAS अधिकारियों में से कोई एक
कलेक्टर बनता है, कोई एक एसडीएम बनता है, बाकी हर क्षेत्रों में आईएएस होते हैं, जल विभाग में होता है, वन विभाग में होता है, जो उच्च उच्च पद होते हैं सभी में होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसे मिलती है? सबसे ज्यादा पावर मिलती है कलेक्टर को या डीएम को मिलती है। तो ये जो पद सोपान होता है शक्तियों का, कि एक ही रैंक के अधिकारी को बराबर शक्तियां नहीं दी जाती, तो उसके आधार पर क्या होता है, हर व्यक्ति कलेक्टर बनना चाहता है, हर आईएएस अधिकारी डीएम बनना चाहता है, उसके लिए रिश्वत को बढ़ावा दिया जाता है, अपने कार्यों की अपेक्षा की जाती है। तो यदि हमें सिविल सेवा में सुधार करना है, लोक सेवा में सुधार करना है, तो जो शक्तियों का वितरण है उसमें क्या लानी चाहिए, समानता लानी चाहिए, सभी अधिकारियों को समान अधिकार से शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा, कार्यकाल की सुनिश्चितता की जानी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे लोक सेवक के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसके कार्यकाल की सुनिश्चितता। व्यक्ति की जो कार्यावधि होती है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, उसको कई बार डिसमिस करने की या उसका स्थान परिवर्तित करने की धमकियां दी जाती हैं, जिसके कारण वह राजनेता से संबंध बना लेता है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। यदि वह एक अच्छा सिविल सेवक बन के रहे, लोक सेवक बनकर रहे, अपना कार्य ईमानदारी के साथ करे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, उसके कार्यकाली की क्या होनी चाहिए, सुनिश्चितता होनी चाहिए, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। उत्तरदायित्व की सुनिश्चितता, अर्थात किसी व्यक्ति को, किसी सिविल सेवक को, किसी लोक सेवक को यदि कोई कार्य सौंपे जाते हैं तो उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए, अर्थात यदि वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, अर्थात हर कार्य के प्रति उत्तरदायी उन्हें सौंपना चाहिए। सफलता का जो निर्धारण है वह परिणाम के आधार पर करना चाहिए, अर्थात कोई भी सिविल अधिकारी है, कोई भी लोक सेवक है, उसका जो सफलता का निर्धारण है कि कोई व्यक्ति कितना सफल है, वह किसके आधार पर करो, उसके कार्यों के निर्णय के आधार पर, उसके कार्यों के परिणाम के आधार पर, कि उसने इतने सारे कार्य किए हैं, आखिर उनका परिणाम क्या निकल के आ रहा है, क्या उसने योजनाओं का जो कार्यान्वयन है वह सही तरीके से किया है, सरकार जो चाह रही थी किसी योजना का लाभ हर गरीब को मिले, क्या वह सही तरीके से मिला है। यदि कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई विपदा आती है, तो उस विपदा का जो हल है उस लोक सेवक ने बहुत अच्छे तरीके से किया है या नहीं किया, और किया है तो किस तरीके से किया है, कितनी मात्रा में किया है, तो उसका परिणाम क्या निकल के आता है, उसके आधार पर उसकी सफलता का निर्धारण करना चाहिए, और उसके आधार पर उसे इनाम भी दिया जाना चाहिए, ताकि लोक सेवक अपने कर्तव्यों के प्रति कितने हों, निष्ठा रखें, अपने कर्तव्य के प्रति लगन को उत्पन्न करें। परिवर्तन की आवश्यकता केवल व्यवस्था के स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यक्ति के स्तर पर भी होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम क्या करते हैं, हम व्यवस्था को दोष देते हैं, हम व्यवस्था के पीछे पड़े रहते हैं। कभी भी जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे पूरा शासन ही भ्रष्ट है, पूरा प्रशासन ही भ्रष्ट है, और हम शासन प्रशासन या किसी एक विभाग को क्या कर देते हैं के नाम पर ही उसे रजिस्टर्ड कर देते हैं कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त है, और हम कहते हैं कि इस विभाग को सुधरना चाहिए। लेकिन नहीं, विभाग को तो सुधरना चाहिए, लेकिन विभाग कब सुधरेगा, जब उसका कर्मचारी सुधरेगा। तो हमें जो परिवर्तन है, जो सुधार है, वह है व्यवस्था के साथ साथ किस में भी करना चाहिए, व्यक्ति के स्तर पर भी करना चाहिए, व्यक्तियों को भी उसके लिए उत्तरदायी सौंपना चाहिए, उत्तरदायित्व ठहराना चाहिए। लोक सेवा निम्नलिखित आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए। आखिर कौन कौन से आदर्श हैं जो लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण हैं, किन आदर्शों पर एक लोक सेवक को आधारित होना चाहिए, तो हम समझते हैं। सबसे पहला है, अपने कार्य को पूरी रुचि और प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए, अर्थात यदि किसी लोक सेवक के लिए कोई कार्य सौंपा गया है तो उस कार्य को पूरी रुचि के साथ, रुचि क्या होती है, अंदर से उत्पन्न होने वाली भावना, अर्थात उसमें जितना भी अपना प्रयत्न है तो अपना 100% उस कार्य को देना चाहिए। दूसरा, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, अर्थात जब तक कि वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अगला क्या है, वंचित वर्गों के प्रति सेवा तथा कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। लोक सेवक बनते ही अपने आप को राजा ना समझकर एक लोगों का सेवक समझना चाहिए, अपने आप को एक अधिकारी ना समझकर लोगों का सेवक ही उसे समझना चाहिए, और लोगों के प्रति जो सेवा की भावना है, जो कर्तव्य की भावना है, उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने अंदर समाहित करना चाहिए, उसके आधार पर ही कार्य करना चाहिए। स्वयं को प्रशासक नहीं बल्कि सेवक के रूप में परिभाषित करना चाहिए, उसे हर तरीके से इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि वह अपना 100%
जन कल्याण के प्रति समर्पित करें, अर्थात जन कल्याण को पूरा करने के लिए जन कल्याण के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध करना चाहिए। तो ये सभी गुण किस में होना चाहिए? लोक सेवक में होना चाहिए। और यदि इसके आधार पर कार्य किया जाए तो हम लोक सेवा में बहुत अच्छे तरीके से सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक सिविल सेवक के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए और उन गुणों की विशेषताओं को भी समझेंगे कि वह गुण किस तरीके से उस सिविल सेवक को प्रभावित करते हैं और किस तरीके से उन गुणों के आधार पर वह डिसीजन ले सकता है, वह निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है और उन गुणों के आधार पर वह किस तरीके से लोगों की सेवा कर सकता है, लोगों की रुचि अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और एक बहुत अच्छा सिविल सेवक बनकर इस प्रशासन में, इस शासन में अपना योगदान दे सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।